अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो सबसे पहले आपको अपना स्टेटस चेक करना है कि आप FBR की ऑनलाइन चेक वेरिफिकेशन के अंदर अपना कि आप एक्टिव हैं या नहीं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ऑनलाइन। इसके अंदर हम इसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम से चेक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर क्लिक करेंगे। CNIC ठीक है, यहाँ आप अपना CNIC डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम आज की डेट डाल देंगे। मैं आज की डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो कैप्चा कोड है मैं वही टाइप करूँगा। वेरीफाई पे क्लिक करूँगा, ये बता देगा कि यहाँ पे अगर आपका एक्टिव आ रहा है तो इट्स मीन आपने अपना प्रीवियस जो है चालान जमा किया हुआ है। अगर आपका नॉन एक्टिव आ रहा है तो आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि अपना चालान जमा करना पड़ेगा। उसके लिए हम चले जाएंगे e.fbr.government.pk। इसके ऊपर जाकर आप ई पेमेंट के अंदर जाएंगे, इनकम टैक्स पे जाएंगे। इनकम टैक्स के अंदर यहाँ आपका चालान खुल जाएगा। जिस साल का आप रिटर्न सबमिट करने जा रहे हैं वो साल आप सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप अपना CNIC को सिलेक्ट कर लेंगे। ये करने के बाद आपका नाम ऑटोमेटिकली नादरा से उठा लेगा एज़ पर CNIC। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नेचर ले लेंगे आपका जो भी है। अब आप चालान जमा करने जा रहे हैं, आप यहाँ कर दें मिसलिनियस। इसके बाद जो है अपना मिसलिनियस के अंदर आप आएंगे, यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी। ये आ रहा है सरचार्ज एक्टिव टैक्स पेयर, इसको आप सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ आपकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपनी अमाउंट डाल देंगे। मिनिमम 1,000 रुपये चालान होता है, चालान यहाँ लिखेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका इन्वर्ट्स में अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे आप दोबारा लिख देंगे 1,000 रुपये। याद रखिएगा, इसकी पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको अपने बैंक में जाके भी जमा कर सकते हैं। जब यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे, मैं क्रिएट नहीं करूँगा, जब आप क्रिएट करेंगे तो आपके सामने एक चालान बना हुआ आ जाएगा। उसके अंदर आपको PSID ऊपर मिल रही होगी, वही PSID आप अपने सिंपल ऑनलाइन इजी पैसा या JazzCash के अंदर जाएंगे, वहाँ पर FBR पे क्लिक करेंगे और अपनी PSID डालेंगे और अमाउंट सेलेक्ट करके सेंड कर देंगे। तो ये आपका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में 1 से 2 दिन में अपडेट हो जाएगा।